आज की यह वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच दी गई, इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो चलिए इसको हल करते हैं और हल करने पर ही इसका सही आंसर निकलेगा। चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेजफुल वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें दिया गया है वस्तु का खरीद मूल्य, खरीद मूल्य कितना दिया गया है 500 रुपए, और कितने रुपए में बेच दिया जाता है 600 रुपए, तो 600 रुपए में बेचा गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो खरीद मूल्य है इसको हम क्रय मूल्य कहते हैं और जो बेचा गया उसको विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। इसको ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं यहां पर, और इसको क्रय मूल्य, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हमें दो चीजें ज्ञात करना है, कुल लाभ पहले ज्ञात करना है और दूसरा क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत लाभ। सबसे पहले कुल लाभ कैसे निकालेंगे, कुल लाभ बराबर विक्रय मूल्य कितना है 600, तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं, पहले विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इससे हमारा कुल लाभ आ जाएगा। 600 विक्रय मूल्य हो गया, 500 क्रय मूल्य हो गया, बराबर 100 रुपए, कुल लाभ आ गया 100 रुपए, और फिर इसके बाद प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे, प्रतिशत लाभ बराबर होता है कुल लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, तो कुल लाभ कितना आया 100 गुणे 100, क्रय मूल्य कितना आया, यहां पर क्रय मूल्य आपका यहाँ पर 500 है, 00 कट जाएगा, और ये 5 × 2 = 10, प्रतिशत लाभ कितना आ गया 20%, यहाँ पर प्रतिशत लाभ जो है वो 20% आ गया और कुल लाभ जो है 100 रुपए आ गया। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, 100 रुपए कुल लाभ हो गया और जो प्रतिशत लाभ है ये 20% आ गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नया है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेजफुल वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं।